नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में आपका स्वागत है। लेजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को इंडियन सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एक्टर को ये अवार्ड 8 अक्टूबर 2024 को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान प्रेजेंट किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्टर को सम्मानित करने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कोलकाता की सड़कों से सिनेमा की दुनिया में ऊंचाई छूने तक मिथुन दा की सिनेमाई जर्नी ने हर जनरेशन को इंस्पायर किया है। मैं ये ऐलान करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि दादा साहब फाल्के सेलेक्शन जूरी ने मिथुन चक्रवर्ती को इंडियन सिनेमा में उनके अहम योगदान के लिए सम्मानित करने का फैसला लिया है। मिथुन की फिल्म इंडस्ट्री में जर्नी इंस्पिरेशनल रही है। उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट मूवीज देकर फैंस को एंटरटेन किया है। कोलकाता में जन्मे मिथुन पेशे से एक्टर, प्रोड्यूसर और पॉलिटिशियन है। मिथुन 350 से ज्यादा फिल्मों में नजर आए हैं। इनमें हिंदी, बंगाली, तमिल, भोजपुरी, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी मूवीज शामिल हैं। साल 1977 में फिल्म मृग्या से मिथुन ने एक्टिंग डेब्यू किया था। पहली ही फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। अपने करियर की शुरुआत में वो छोटे रोल्स में नजर आया करते थे। मूवी दो अनजाने, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में मिथुन ने कम स्क्रीन स्पेस में काम किया। फिर 1979 में आई लो बजट फिल्म सुरक्षा ने उन्हें फेम दिलाने में मदद की। मूवी प्रेम विवाह ने भी उनके करियर को बूस्ट करने में अहम भूमिका निभाई थी। मिथुन ने हमसे बढ़कर कौन, शानदार, त्रिनेत, अग्निपथ, हमसे है जमाना, वो जो हसीना, ऐलान, जोर लगा के हैया, चल चले, डिस्को डांसर, टैक्सी चोर, द कश्मीर फाइल्स जैसी हिट मूवीज में काम किया है। मिथुन ने 1978 में बंगाली सिनेमा में मूवी नाडी ठेके सागरे से डेब्यू किया। कहा जाता है कि ये अब तक की सबसे बड़ी भोजपुरी फिल्म है। अपने करियर में उम्दा परफॉर्मेंस के लिए उन्हें 3 बार नेशनल अवार्ड मिला है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक्टर ने 1979 में एक्ट्रेस हेलेना ल्यूक संग शादी की थी, लेकिन ये रिश्ता बस 4 महीने चला। तलाक के बाद मिथुन की जिंदगी में एक्ट्रेस योगिता बाली आई और दोनों ने शादी कर ली। वहीं आज भी मिथुन को उनकी फिल्म डिस्को डांसर के लिए देश विदेश में जाना जाता है। खास खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए फोरसाइट्स।